चावल की रोटियां। तो इसके पहले हमने देखा था बच्चों हमारा 10वां पाठ था जिसका नाम था एक दिन की बादशाहत। तो एक दिन की बादशाहत में क्या होता है, एक दिन आरिफ और सलीम तय करते हैं कि एक दिन हम क्या करेंगे, पूरा जो घर का राज है वो हम करेंगे, मतलब जो कुछ भी खाना रसोई घर में पकाया जाता है वो सारी बातें हम करेंगे, बड़ों के जैसा बर्ताव हम करेंगे, छोटे लोग जो है वो बड़े बन जाएंगे और बड़े लोग जो है वो छोटे बन जाएंगे, ऐसा तय होता है। और बाद में बहुत बड़े अच्छे अच्छे मजे आते हैं। ये तो अपने आपके 10वां पाठ था हमारा एक दिन की बादशाहत, इसमें हमने देखा ही है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारा 11वां पाठ है जिसका नाम है चावल की रोटियां। पन्ना नंबर 83 पे, पेज नंबर 83 पे आप देखेंगे कि हमारा 11वां पाठ है जिसका नाम है चावल की रोटियां। ये आपने पढ़ा भी होगा, ये क्या है, एक एकांकी है, मतलब एक नाटक बच्चों ने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो पहले मैं इस नाटक का या इस एकांकी में जो पात्र है उनका मैं आपको परिचय करवा देती हूँ। तो इसमें कौन कौन है, तो कोको नाम का एक लड़का है, ठीक है, कोको नाम का 8 साल का एक अच्छा सा लड़का है। इसके बाद है नीनी, आपको लगेगा ये नीनी नाम की लड़की है इसलिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि ये भी लड़का है, ये भी 9 साल का है ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद है तिनसु, ये भी लड़का है, और मिमी, मिमी जो है वो क्या है, 7 साल की एक लड़की है। तो ये जो 4 लोग है वो क्या है, अच्छे दोस्त है, इसलिए कोको के दोस्त कौन कौन है, अगर ऐसा सवाल आपको पूछा जाए तो आपका जवाब आना चाहिए कि कोको के दोस्त कौन कौन है, नीनी, तिनसु और मिमी, ठीक है, ये कोको के दोस्त है, ठीक है। ये लड़का नीनी, लड़का तिनसु जो है वो भी लड़का, मिमी है वो 7 साल की लड़की है। आपको भी मालूम होता है एक खड़ा अगर नाटक प्रस्तुत आपको करना होता है तो जो सारी चीजें होती है वो पहले मंच पर लाई जाती है, मतलब क्या किया गया है, यहाँ पे एक कमरा है, एक सादा सीधा सादा एक कमरा है, उसमें क्या है, चटाइयाँ रजाइयाँ घर का जैसे उन्होंने क्या किया वहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, तो उसमें क्या क्या है, मेज रखी होगी, इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी सामान उस नाटक में हमें दिखाना है, उस एकांकी में हमें लोगों को दिखाना है, वो सारा सामान उन्होंने उस कमरे में रखा है। तो उन्होंने क्या किया है, चाय की कितली रखी है, इसके बाद उन्होंने एक रेडियो ले रखा है, एक फूलदान है, ये जो सारी चीज़ें हैं, मेज रखी होगी, चटाइयाँ हैं, तो ऐसा कमरा उन्होंने सजाया है। और इसके बाद ये इनका नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, इनके नाटक का नाम क्या है, तो चावल की रोटियां, ठीक है। रोटियां तो आपको मालूम ही होगी, आप सभी बच्चों की माँ घर में रोटियां सेकती है या बनाती है, ठीक है, हम गेहूं या ज्वार की भी बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे चावल की रोटियों का एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, वो इस एकांकी द्वारा यहाँ पे स्पष्ट किया है। आप भी घर पर क्या कर सकते हैं, एक एक बच्चों, अगर आपके भाई है बहन है तो आप उन्हें एक 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 पात्र दे सकते हैं, और ये जो लेसन है वो एकांकी की दृष्टा आप भी क्या कर सकते हैं, घर में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें बड़ा मजा आता है कि तुम कोको का पार्ट लो, तुम ये मिनी का पार्ट लो, तुम तिनसु बनो, तुम उबातुन बनो। और एक हमारा यहाँ पे पात्र है जिसका नाम है उबातुन, ये क्या है, दुकानदार है, दुकान का प्रबंधक है, मतलब हम भी अगर कोई दुकान में जाते हैं ना, प्रबंधक का अर्थ क्या होता है, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना मैनेजर, तो प्रबंधक को क्या कहते हैं, व्यवस्था करने वाला, कोई भी दुकान हो तो वहाँ पे एक हाथ व्यक्ति मैनेज करता है ना सारी चीजें, कहाँ पे कैसे होनी चाहिए, अगर ग्राहक आ जाए तो उन्हें कैसे देना चाहिए, इसके लिए जो कुछ भी प्रबंध या व्यवस्था करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रबंधक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुकानदार मतलब दुकान का प्रबंधक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दुकानदार ही रखा लिखा है कि आपको समझ में आया चाहिए। तो आप इतना रखें कि दुकान का प्रबंधक मतलब एक मैनेजर जैसा वहाँ पे बैठा कोई होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे इस एकांकी में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 लोग हैं। आप भी घर पर 5 लोग क्या कर सकते हैं, बैठकर एक को ऐसा पात्र दे सकते हैं, और ये जो लेसन है अच्छी तरह से विद एक्शन आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है एक हाथ पढ़ना और सभी लोगों ने मिलकर एक हाथ लेसन पढ़ना, तो ये बहुत ही एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको मजा भी आएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चावल की रोटियां, ठीक है। सभी बच्चों के पास किताबें तो होगी है, तो देखिए पन्ना नंबर 83 मतलब पेज नंबर 83 मैं पहले क्या करूंगी, इसका पठन करती जाऊंगी, और इसके बाद में क्या करूंगी, इसका थोड़ा थोड़ा करके स्पष्टीकरण करती जाऊंगी, या जो शब्द कठिन नहीं है तो सीधे सीधे स्पष्टीकरण करने पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात।
तो यहाँ पे उन्होंने पहला जो कॉलम है उसमें उन्होंने बताया है कि एक कमरा है, जो मैंने पहले ही बताया वैसे ही, मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि मुर्गा बांग दे रहा है, तो इसके बाद दूर कहीं से मुर्गा बांग दे रहा है, कुत्ता भूख रहा है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बज रही है, मतलब उन्होंने वहाँ पे माहौल खड़ा किया है कि उन्होंने क्या, उन्हें क्या करना है, घर है, घर के पास मुर्गा है, उसके बाद दे मतलब जैसे प्रार्थना स्थल होता है तो वहाँ से प्रार्थनाओं की आवाज़ें आ रही है या घंटियाँ बज रही है मंदिर में, जैसे घंटियाँ बजने की आवाज़ आती है ना, तो ऐसा उन्होंने उस पर्दे में जैसे बताया जाता है ना, तो उन्होंने वैसे कमरे में क्या क्या रखना चाहिए था, ये सारी चीज़ें उन्होंने दो कॉलम में उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके बाद देखिए कोको की एंट्री होती है और कोको क्या बोलता है, देखिए माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। ऐसा वो कहता है, देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है, मतलब क्या होता है माता पिता जो है ना वो धान लगाने के लिए गए हैं, मतलब किसान है उसके माता पिता, तो वो कहाँ गए हैं, खेत में गए हैं धान लगाने के लिए गए हैं, तो वो कहता है कि देखता हूँ माँ ने मेरे लिए कुछ खाना तो बनाया ही होगा ना, तो वो कहता है चलो मैं देख लेता हूँ कि माँ ने मुझे नाश्ते के लिए क्या बनाया है। ऐसा कहकर वो क्या करता है वहाँ से जाता है, ऐसा कर कहता है, पन्ना पलटिए पेज नंबर 84 पर अभी। वह तो फिर क्या करता है, अलमारी की तरफ जाता है और खोल कर देखता है, तो उसे एक तश्तरी में क्या दिखाई देता है, चार चावल की रोटियां दिखाई देती है, तश्तरी मतलब प्लेट, ठीक है। अलमारी हमारे रसोई घर में भी देखिए क्या होती है, एक अलमारी होती है जहाँ पे दूध दही के पतीले होते हैं, तो हम वहाँ पे रखते हैं और क्या करते हैं उसे अच्छी तरह से पैक करके रखते हैं, तो उसी प्रकार वो घर में चला जाता है, अलमारी थी एक लकड़ी की अलमारी होगी और उस अलमारी में से आप चित्र देखिए यहाँ पे आपको अलमारी दिखाई देगी, तश्तरी का मतलब है प्लेट, प्लेट में क्या रखा है, रोटियाँ रखी है, चार रोटियां रखी थी, ठीक है। तो रोटियां देखकर उसको क्या करता है, अपने होठों पर चीप फेरता है, मतलब हमारे भी मुंह में इमली देख के जैसे पानी आता है ना, तो उसी प्रकार उसका भी क्या हो जाता है, ये जो रोटियां देखकर वो मुस्कुराता है और जीप फेरता है, मतलब उसे खाने का वो बहुत, उसे क्या थी चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, तो वो देखकर वो क्या करता है अपने मुंह पर, मुंह मतलब उसके मुंह में जैसे पानी आता है ना, तो वैसे ही वो क्या करता है अपने मुंह में, मतलब होठों पर जीप फेरता है। आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज, ऐसा करता है वो देखकर ही बोलता है हाँ मजा आ गया चावल की रोटियां, ऐसा सोच के वो क्या करता है इसके बाद रोटियां लेता है और मेज पर जाके बैठ जाता है। कितनी रोटियां थी दस्तरी में, कितनी रोटियां थी, तो चार रोटियां थी, उसने क्या किया वो प्लेट में से ली और वो मेज पर जाके अभी खाने वाला था। इसके बाद क्या होता है देखते, कोको मन ही मन में कहता आज तो डट कर नाश्ता होगा बाबा, क्योंकि माँ ने तो मेरे लिए चार रोटियां बना के रखी है। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है तभी कोई दरवाजे में दस्तक देता है, ठीक है। दस्तक देना मतलब दरवाजा खटखटाना, हम भी बाहर जाते समय अगर नॉक करते ना या ऐसे अंदर जाते नहीं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, बेल तो बेल बजा देते हैं, तो उसी प्रकार वो अभी ऐसे खाने ही वाला था, एक निवाला उसने लिया ही था मुंह तक, तब तक क्या होता है कोई तो आ रहा है, ऐसे कोई दस्तक देता है, ऐसे दस्तक देने के बाद क्या होता है वो झट से खड़ा ही होगा ना, तो कोको इसके बाद वो सुनता है नीनी, कोको ए कोको दरवाजा खोलो मैं हूँ नीनी, तो उसके बाद कौन आता है, नीनी नाम का एक लड़का आता है जो उसका ही दोस्त है, वो आता है वहां पर, तो वो कहता है कोको ओ कोको दरवाजा खोलो मैं हूँ नीनी, ऐसा कहता है, तो कोको क्या कहता है देखिए गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। वो क्या करता है वो तो भुक्कड़ है, भुक्कड़ मतलब बहुत ही भूखा है, उससे भी चावल की रोटियां बहुत पसंद होती है, तो वो क्या कहता है ये जो नीनी है ना वो पहले ही बहुत भुक्कड़ है, अगर इसके हाथ में चावल की रोटियां चली गई या इसके अगर उसने देखा मुझे चावल की रोटियां खाते समय तो वो तो मुझे मांग ही लेगा, तो मुझे कम पड़ जाएगी ना। आप भी ऐसा ही करते ना, छिपा कर कोई चीज खा रहे होते हैं और जल्दी से कोई आ जाता है झट से तो आप उसे छिपा देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसे बताते हैं ना, तो उसी प्रकार जब नीनी आता है
तो वो सोचता है कि अरे वाह, वो सोचता है ये तो बहुत ही भूखड़ है, बहुत ही भूखा होता है हमेशा। ये अगर मेरी चावल की रोटियां देखेगा ना तो ये क्या कर देगा, खा लेगा। नीनी, फिर एक बार नीनी बोलता है, क्योंकि वो दरवाजा जल्दी से खोल नहीं होता, खोल नहीं रहा था ना, इसलिए वो क्या करता है, नीनी कहता है, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो इतनी देर तक आधी, ऐसा वो कहता है, जल्दी दरवाजा खोलो ना, क्या कर रहे हो तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो। तो कोको कहता हो, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, क्योंकि कोको का कौन सा काम चल रहा होता है, ये रोटियाँ उसे छिपानी होती ना, क्योंकि वो खा रहा होता है, तो वो सोचता है अरे इन्हें मैं कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ, ऐसे कहता है। और वो कहाँ जाता है, जहाँ पे रेडियो रखते हैं ना, रेडियो की तरफ जाता है, और मैं तश्तरी को रेडियो के पार, मतलब रेडियो के पीछे छिपा दूंगा, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको, ऐसा कहता है। तो वो मन ही मन में क्या करता है कि मैं आप मुझे ये कहाँ पे छिपानी होगी, रेडियो जहाँ पे ऊपर रखती है ना, रेडियो के पीछे मैं जो तश्तरी मतलब प्लेट है ना चार रोटियों की, ये प्लेट में छिपा लेता हूँ। वो थोड़ी जाके ऊपर देखेगा कि रेडियो में क्या है, रेडियो के पीछे क्या है, वो जब चला जाएगा तो मैं बड़े आराम से क्या कर लूंगा, ये जो मेरी चार रोटियां हैं वो बड़े आराम से बड़े मजे से खा लूंगा, ऐसा सोचकर वो जल्दी से रेडियो के पीछे क्या करता है, ये जो चार रोटियां थी वो छिपा लेता है, और कहता है ठहरोगे वो, आता हूँ दरवाजा खोलने के लिए आता हूँ, ऐसा कहता है। और वहां से उसे कहता है जरा रुको ना, आ रहा हूँ, ऐसा कहता है और जाता है। तो इसके बाद देखिए कोको, आओ नीनी अंदर आ जाओ, जब वो दरवाजा खोलता है तो कहता है आओ आओ नीनी अंदर आ जाओ, अंदर आओ जल्दी आओ, ऐसे कहता है। ठीक, तो नीनी आता है दरवाजा खोलने पर, इतनी देर क्यों लगाई तुमने दरवाजा खोलने में, हमारा भी तो सवाल होता है ना, इतनी देर से मैं वहां पे खटखटा रहा हूँ दरवाजा, और तुमने इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में, ऐसा पूछता है। तो कोको कहता है कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था, बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो उसने उसे क्या बताया, कुछ ऐसी खास बात नहीं, अभी अभी मैंने नाश्ता किया है ना तो मैं मुंह धो रहा था, तुम्हारी जब दस्तक मुझे सुनाई दी तब मैं मुंह धो रहा था, इसलिए क्या हो गया, जल्दी देर हो गई मुझे आने के लिए। तो उसने पूछा, नीनी से पूछा कि सुबह सुबह तुम क्यों आए, क्या काम है तुम्हारा, ऐसा पूछा। तो नीनी ने कहा, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो क्या बोला, अरे तुम भूल गए परीक्षा के बारे में सूचना है ना, वो रेडियो पर आने वाली है, तुम्हें मालूम नहीं, तुम भूल गए। अब देखिए कोको ने चार रोटियां कहाँ पे छुपा के रखी थी, रेडियो के पीछे। अब ये जो नीनी है इसका काम कहाँ पर था, रेडियो के पास ही था ना। अब कोको को समझ में आ रहा है, बाबा ये जो नीनी अगर रेडियो के पास चला गया तो उसे चार रोटियों की प्लेट दिखाई देगी ना। तो वो क्या कहता है, देखिए लेकिन तुम्हारे घर में तो रेडियो है ना, तो फिर यहाँ पे क्यों आए हो तुम, ऐसा पूछता है। नहीं नहीं वो खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनेगा सुनूंगा, जो कुछ भी परीक्षा के बारे में सूचनाएं आएंगी ना तो तुम्हारे रेडियो पर ही सुनूंगा, क्योंकि हमारे जैसे मोबाइल जो है वो उस जमाने में शायद नहीं होंगे, जो सारी बातें थी या टेलीविजन है या मोबाइल है वो वहाँ पे नहीं होते, कोई भी सूचनाएं अगर थी तो वो रेडियो पर सुनाई सुनते होंगे, इसलिए वो कहता है कि मेरा जो रेडियो ना घर का वो तो खराब हो गया ना, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गया। तो नीनी रेडियो उठाकर यही ले आ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। तो उसने क्या कहा, रेडियो उठाकर यहीं पर लेकर आओ, ऐसा उसने कहा, नीनी ने कोको से कहा। तो कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है बाबा, क्योंकि कोको उसे क्यों जाने नहीं दे रहा था, या रेडियो के पास अगर वो चला गया, रेडियो वहां से उठाया तो रेडियो के पीछे क्या था, चार रोटियां थी ना, तो उसे दिखाई देगी ना वो रोटियों की प्लेट, इसलिए वो क्या कहता है, नहीं नहीं हमारा जो रेडियो है ना वो क्या है, खराब हो गया है, इसलिए तुम दूसरा रेडियो देखो, मतलब हमारा भी रेडियो खराब है। तो नीनी कहते आओ कोशिश करके देखिए, मैं उठा कर ले आऊँ, ऐसा वो कहता है। तो वो कहता है नहीं नहीं नीनी इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। वो कहता है इसे मत छूओ बाबा, अगर तुम छूओगे ना इसे तो तुम्हें करंट लग जाएगा, क्योंकि ये सब झूठ बोलता है ना, एक सच छिपाने के लिए उसे कितने झूठ बोलने पड़ते देखते हैं। आगे आगे क्या होता है ये हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, नहीं नहीं तुम अगर उसे छूओगे ना तो उसे करंट लग जाएगा, ऐसा कहता है। तो नीनी क्या कहता है, मैंने तो उसे छू ही दिया था,
भी वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? ऐसा उसे कहता है। तो वो उसे क्या कहता है कि अरे बाबा, क्योंकि ये जो तिनसु क्या है, तिनसु के घर अब मुझे जाना होगा, क्योंकि ये रेडियो पर जो खबर आने वाली है ना, ये सुनने के लिए अब हम दोनों को कहाँ पे जाना होगा? तो तिनसु के घर जाना होगा। तिनसु भी इनका ही दोस्त है, ठीक है। ऐसा कहने के बाद क्या होता है कि अब क्या करेंगे, तो हमें तिनसु के घर जाना चाहिए, ऐसा नीनी कहता है। तो वो क्या कहते देखेंगे, कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे, तो मैं तुम जाओ, तुम जाकर आओ, हम फिर मिलेंगे, ऐसा कहता है। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेता है, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। वो कहता है बार बार बज गए, बाबा हाय, वो चला गया। वो कहाँ चला गया? वो तिनसु के घर चला गया, लेकिन कोको उसके साथ नहीं गया। तुम जाओ, ऐसा उसने उसे कहा, कह दिया। वो तिनसु के घर जाता हूँ, ऐसा कहता है, वो चला जाता है वहाँ से। तो कोको गहरी सांस लेकर कहता है और कहता है, बाल बाल बज गए बाबा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो जल्दी से चला गया, अब मैं क्या करता हूँ, नाश्ता खा लेता हूँ, ऐसा करता है। और वह फिर एक बार वो जो तश्तरी थी, मतलब चार रोटियों की जो प्लेट थी, वो लाने के लिए चला जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर एक बार क्या होता है, दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, ऐसे सुनाई देती है। तो वो क्या करता है, दरवाजा, अब मन में यही सोचेगा ना, जाने अब कौन अटपका, अरे बाबा एक को मैंने भगा दिया, जाने अब कौन अटपका, ऐसा कहता है। तो मिमी कहती है, मिमी आती है, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। मिमी उसकी दोस्त थी, ये लड़की का नाम है, तो वो आती है। और मिमी क्या कहती है, कोको बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है, और वह हमेशा भूखी ही होती है, मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ छिपाऊँ अपने में, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी, क्योंकि मिमी को भी ये जो चावल की रोटियाँ होती है ना, बहुत पसंद होती है। तो ये भी वैसे ही है, ये क्या करेगी, बहुत भूखी ही होती है हमेशा, वो सारा कमरा छान मारेगी और देखेगी कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं, कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं, ऐसा। और वो सारे कमरे की तलाशी लेगी, वो सोचता है अब मैं कहाँ छिपाऊँ, ये जो चावल की रोटियाँ है ना, वो तो सारा घर ढूंढेगी। ये जो बेचारा मिनी था, इसने कुछ रेडियो का पीछे क्या है नहीं देखा, वो रेडियो के पास नहीं आया, लेकिन ये जो मिमी है ना, वो सारा कमरा छान मारेगी, अब मैं इसे कहाँ पे रखूँ, ऐसा कहता है। वो क्या करता है देखते, फिर मिमी फिर दरवाजा खटखटाती है, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, वो ऐसे जोर से बोलती है बार बार, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। कोको अब कहता है, कहाँ छुपाओ, कहाँ छुपाओ अब मैं इसे, ऐसा वो मन ही मन में सोच रहा होता है। तो वो क्या करता है, जो फूलदान होता है ना, हमारे भी क्या होते हैं, फूलदानी होती है, तो उस फूलदानी में जहाँ जिसमें हम फूल रखते हैं, तो उस फूलदानी में वो क्या करता है, जल्दी से वो क्या कर लेता है, फूलदान में उस तश्तरी को रखता है और दरवाजा छट से खोल देता है, क्योंकि उसे पहले क्या खोलना करना होता है, जो चार रोटियों की प्लेट थी ना, वो उस फूलदानी में वो क्या करता है, पीछे फूलदानी के पीछे जल्दी से रखता है और फिर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है, उसके पास ना कागज में लिपा हुआ एक बंडल होता है, वो क्या होता है हम देखते हैं। तो मिमी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी, तो कोको मैंने अभी अभी नाश्ता किया था ना, तो मैं मुंह धो रहा था, जैसे उसने पहले बताया ना, वैसे ही अभी बताता है कि मैं क्या कर रहा था, अभी अभी मैंने नाश्ता किया है, तो मैं मुंह धो रहा था, ऐसा कहता है। तो वो कहती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, उन्होंने तुम्हारे माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर पर आ जाऊं, क्योंकि मिमी को चावल की रोटियां पसंद है, ये कोको की माँ को मालूम था। तो कोको की माँ जब खेत में जा रही थी, तो उन्हें मिमी मिली, तो मिमी को उन्होंने क्या बताया कि घर पर क्या रखा है, खाने के लिए चावल की रोटियां रखी है, तो वो तुम जाकर खाओ, ऐसा माँ ने तुम्हारे बताया है, इसलिए मैं आई हूँ, ऐसा वो कहती है। तो आगे क्या होता है देखते हैं।
तो मिमी क्या करती, कोको क्या देता है, चावल की रोटियां। हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। कोको कहता है चावल की रोटियां। हाँ थी लेकिन मैंने सब खा ली, ऐसा कहता है। तो मिमी कहती है एक भी नहीं बची, मेरे लिए एक भी नहीं रखी, थोड़ी बहुत तो होगी ना, आधी एक भी नहीं बची, ऐसा वो पूछते हैं। कोको कहते सॉरी मिमी, मैंने सारी की सारी खा ली, एकदम अब मेरा पेट भर गया है, लगता है आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो वो क्या कहता है, मैंने ना सारी रोटियां खा ली, मेरा तो पेट अब बहुत भर गया है, मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाऊंगा, इतना मेरा पेट भर गया है। वो झूठ बोलता है क्योंकि उसे चावल की रोटियां मिमी को नहीं देनी होती। देखिए एक झूठ, एक सच, एक झूठ छुपाने के लिए वो कितने कितने झूठ बोलता जाता है। अगर एक सच उसने बताया होता कि हाँ बाबा है मेरे पास चावल की रोटियां, तुम एक लो, तुम दो लो, मैं दो लेता हूँ, दोनों बांट के खा जाते तो कितना अच्छा होता है ना। लेकिन नहीं, उसे क्या करना था, वो सच था वो बताना नहीं था, इसलिए वो बार 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 झूठ ही झूठ बोल रहा था। तो आगे क्या बोलते हैं, बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, मैं चार पापड़ नहीं, दो तुम्हारे लिए और दो अपने लिए, सोचा तुम्हारे चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता बन जाएगा। ठीक है, तो वो बंडल में क्या लेकर आई थी, कागज के बंडल में केले के पापड़ उसके माँ ने बनाए थे। तो उसने क्या कहा, मुझे लगा मैं दो पापड़ तुम्हें दूंगी और दो पापड़ मैं खा लूंगी, तुम्हारी दो रोटियां मेरे दो पापड़, हम दोनों अच्छी तरह से नाश्ता कर लेंगे, यह सोचकर मैं आई थी, लेकिन तुमने तो सारे के सारे चावल की रोटियां खा ली, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा वो कहती है। तो मिमी क्या कहते थे, आगे क्या होता है, तो अच्छा नाश्ता बनेगा ऐसा मैंने सोचा था। तो वो क्या करती है, एक तश्तरी में डालकर वो जो पापड़ है वो मेज पर रखती है, एक प्लेट लेती है और उस पर पापड़ रखती है। मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी है, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है, तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और कुछ तुम कुछ भी नहीं खा सकोगे ना, अब तुमने तो चार रोटियां खाई है ना, तुम्हारी बदकिस्मती मतलब क्या, तुम्हारा दुर्भाग्य है बाबा, केले के पापड़ लाए ना बहुत ही गर्मा गर्म है, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, और कैसा दुर्भाग्य है, क्योंकि तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है ना, तो अब ये पापड़ भी तुम नहीं खा सकोगे, ये तुम्हारा क्या है, दुर्भाग्य है, ये तुम्हारी बदकिस्मती है, ऐसा वो कहती है कोको। क्योंकि कोको को तो जीभ पर, उसको ओठों पर जीभ फिराता है, क्योंकि उसके भी पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं, लेकिन वो मन ही मन में क्या करता है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझाता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए। लेकिन उसे क्या लगा मन ही मन में, कोको को लगा वो चार पापड़ नहीं खाएगी, दो मेरे लिए छोड़ ही देगी, तो मैं दो खा लूँगा, चार रोटियाँ और दो पापड़ खा लूँगा, ऐसा मन ही मन में कोको पर बोलता है। तो मिमी एक पापड़ उठाती है, कहती क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है, क्या सिर्फ मैं क्या करूँगी, ये पापड़ खाऊंगी, तो निगलने के लिए अगर इसके साथ चाय और पापड़, कितना अच्छा नाश्ता बन जाएगा, ऐसा वो कोको को कहती है। तो कोको कहता है हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तो वो चाय लेता है, कोको चाय की केतली लेकर आता है और दो कप भी लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। तो मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं ना, तुम्हारा तो पेट भर गया है, क्योंकि उसने झूठ बोला था ना, इसलिए उसे पापड़ भी नहीं और चाय भी नहीं। तो कोको क्या कहता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा था, वो मन ही मन में उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था, भगवान करे मिमी कोई गुड़गुड़ न सुनाई दे। तो वो कहता है कि भगवान करे ये जो गुड़गुड़ पेट में हो रही है ना, ये चूहे दौड़ रहे हैं ना, ये उससे मत सुनाई देने दे, नहीं तो भूख से लगेगा कि मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ। मिमी यह कैसी आवाज़ है, तो पापड़ खाते हुए उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। तो कोको कहता है आवाज़ कैसी आवाज़, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कोको कहता है कि हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़ आ रही है, ये देखो फिर से सुनाई दे रही है, क्योंकि उसका पेट जो है ना वो भूख के कारण गुड़गुड़ा रहा था, आवाज़ आ रहा था उसके पेट में से, तो गुड़गुड़ाने की आवाज़ थी। कोको कहता है यह हमारे घर में ना ढेर सारे चूहे है, तो चूहों की आवाज़ होगी, ऐसा वो उसे कहता है। तो इसके बाद दरवाजे पर फिर एक बार दस्तक आती है, अब कौन आया होगा। कोको कहता है कौन आया होगा, तो तिनसु इनका क्या है, दोस्ती है। तो पहले निनी आया, इसके बाद मिमी आई, अब आया तिनसु।
तिनसु दरवाजा खटखटाता है, दरवाजे पर दस्तक देता कहता है मैं तिनसु दरवाजा खोलो। तो आहा, इसके बाद वो दरवाजा खोलते हैं, तिनसु अंदर आता है। तुम मिमी कहती है तुम बैठे रहो आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है ना, मैं खोलती हूँ। और इसके बाद क्या होता है, तिनसु आता है। तो आहा मिमी भी यहाँ पर ही है, बहुत ही अच्छा हुआ। तो मिमी आती है कहती है आओ तिनसु, और तिनसु और मिमी दोनों क्या करते हैं, हेलो कोको, दोनों में बातचीत होने लगती है। इसके बाद तिनसु और मिमी क्या करते हैं, जो उन्होंने नाश्ते पर रखा हुआ नाश्ता होता है ना वो खा लेते हैं। तो मिमी कहती है बस नाश्ते में चावल की रोटियां उसने खा ली है तो उसे तो कुछ नहीं चाहिए, तो हम दोनों क्या करते हैं चाय और ये रोटी है ना वो खा लेते हैं। तिनसु कहता है केले के पापड़, आहा मुझे भी बहुत पसंद है। तो दोनों चाय और केले के पापड़ जो है वो खा लेते हैं, मतलब दोनों खा लेते हैं। और ये जो बेचारा कोको है वो क्या करता है, बदकिस्मती के कारण वैसे के वैसे भूखा ही बैठता है। तो मिमी कहती है मैं कोको के लिए भी ले आई थी लेकिन क्या करूँ, उसका पेट तो बहुत भर गया है ना, तो वो तो नहीं खाएगा। तो तिनसु कहता है नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गाँव से सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है तो हम दोनों ही खत्म कर देंगे, मैं तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करोगे, ऐसा उसे पूछती है ना तिनसु को कि मैं तो कोको के लिए लाई थी लेकिन कोको तो नहीं खा रहा है क्योंकि उसका पेट भर गया है, क्या तुम खाओगे। तो वो तिनसु कहता है नहीं केवल पूछ पूछ, अच्छी बात कोई पूछता है, नहीं नहीं तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छे केले के पापड़ बनाती है। ऐसा कहकर क्या करते हैं मिमी कहती है यह लो चाय के साथ खाओ बड़ा मजा आता है। और तिनसु बहुत बढ़िया चाय है, ऐसा कह के क्या करता है मेरी आज खुशकिस्मती है जो इस वक्त पर मैं यहाँ आ गया क्योंकि उसे चाय और केले के पापड़ मिले। और कोको क्या कहता है देखिए तुम्हारी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती है क्योंकि तुम दोनों खा रहे हो और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे। तो इसके बाद मम्मी कहती है यह लो तिनसु एक और खा। तिनसु नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है मिमी, आधा तो ले लो दूसरा आधा मैं खाऊंगी, एक कोको के लिए रखा है शाम को खा लेगा। तिनसु तुम जोर डालती हो तो ले लेगा कोको, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। कोको क्या कहता है हम दोनों ना डेढ़ डेढ़ है ना, तो कुल मिला के कितने चार लाए थे ना 1.5, मतलब डेढ़ डेढ़ हम खा जाएंगे और एक हम कोको के लिए छोड़ देंगे। तो कोको कहता है हाँ बहुत अच्छा हुआ, एक तो मेरे लिए पापड़ छोड़ रही है, मुझे लगा आप सारे के सारे दोनों खा लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि दोनों पापड़ बड़े मजे से खा रहे होते हैं। तो इसके बाद तिनसु यह आवाज कैसी है, मिमी कहती है यहाँ पर एक ना बड़ा चूहा घुसा है। तो कोको कहता है वही उसकी आवाज है। तिनसु ऐसा लगा कि किसी के पेट में गुड़गुड़ा रहा है। मिमी अच्छा ये फूल कैसे है, तिनसु कहता है तो उसकी जो नजर है मिमी की वो फूलदानी की तरफ जाती है ना, तो वो कहती है अच्छा ये फूल कितने अच्छे है, ये फूल कैसे है वो पूछती है। तो मिमी अच्छा ये फूल कैसे है, दोनों पापड़ खा रहे होते तो ऐसे ऐसे बैठते बैठते उनकी नजर फूलदानी की तरफ जाती है, वो फूल देखते। तिनसु वो मैं भी तो भूल गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा है, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। उसे क्या करना है, उसे मतलब इधर उधर वो देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर, मतलब यहाँ वहाँ उसने जो तिनसु ने क्या किया था, तिनसु आते समय फूल लेके आया था तो उसके हाथ का फूल ही उसे दिखाई देता है, मुझे लगा कि फूलदान में जो फूल रखे थे वो दिखाई देता है। तो फिर याद आता है तिनसु को कि अरे हाँ मुझे माँ ने कहा था कि कोको की माँ ना कल फूलदान लेकर आई थी, उस फूलदान में फूल रखना है। तो वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया, ये चार पापड़ के बीच में मैं भूल ही गया कि माँ ने मुझे उस फूलदान में फूल रखने के लिए भेजा है। तो वो फूलदान कहाँ है, मतलब वो फूलदानी कहाँ है, उसमें मुझे ये फूल रखने हैं। तो वो कहता है कि अलमारी के ऊपर है, ऐसे फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी के ऊपर। मिमी मुझे दो मैं इन्हें फूलदान में रखा हूँ, ऐसा मिमी कहती है। और दोनों क्या करते हैं फूल रखने के लिए वहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। तो कोको कहता है नहीं नहीं मिमी, क्योंकि अब फूलदान में क्या था, क्योंकि फूलदान में ये क्या थी, चावल की चार रोटियां थी ना, इसलिए फिर एक बार उसकी चोरी पकड़ी जाएगी।
इसलिए कोको कहता है नहीं नहीं मैं रख दूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको ये फूल है, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। वो कहता है कि नहीं नहीं मेरी माँ को ना इन फूलों से ना बहुत ही क्या है एलर्जी है, मतलब फुंसियाँ निकल आती है, खांसियाँ हम भी क्या करते हैं खास खाते रहते हैं ना, तो वैसे मेरी माँ को इन फूलों की एलर्जी है, मतलब छींकना, तो वैसे ही वो क्या करती है हमेशा फूसती रहती है, ऐसा कहा गया है कि मेरे माँ को इन फूलों से एलर्जी है, ये फूल तो फूलदानी में मत रखो, ऐसे वो मना करता है, कोई ना कोई कारण बताना चाहिए ना उसे, तो वो ऐसा कारण उसे बताता है। ओ मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा, ऐसा वो उन्हें कहती है, वो वापस लेने जाता है। तो कोको मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, हमेशा वो झूठ ही बोल जा रहा था ना कि आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं माँ को इन फूलों से एलर्जी है, तुम दूरी रहो और फुलदानी के पास मत जाओ, ऐसा कहता है। पहले उसने बताया रेडियो हमारा खराब हो गया है, तुम बाहर जाकर देख लो, तो ऐसे उसे कितने झूठ बोलने पड़े। कोको इसके बाद देखिए और दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है उसे, अब कौन आया, दस्तक सुनाई दी उसे, तो उसने कहा कौन, तो उबातू मैं हूँ दुकान, मैं हूँ दुकान का मैनेजर, मतलब जैसे दुकान का मैनेजर उबातू या प्रबंधक या मैनेजर, तो उबातू क्या है दुकान का मैनेजर है। तो मिमी कहती है तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा, अभी आई उबातू चाचा अभी आई, ऐसा कहती है। अब कौन आया था, दुकान का मैनेजर आया था, ये कौन होगा जहाँ से उसकी माँ ने फूलदान खरीदने था, वो दुकान का मैनेजर आया था, तो वो होगा। तो मिमी कहती है चाचा मैं आई, रुको मैं आती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ, ऐसा करके मिमी चली जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तो उबातू चाचा क्या कहते हैं, नीला फूलदान लिए आता हूँ, मतलब नीला फूलदान उनके पास था, ऐसा कहा गया है। तो उबात हेलो बच्चों लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है आपने, तो एक जो चावल था वो बचा हुआ था ना, तो ठीक है। तो उबातू चाचा कहते हैं अरे हेलो बच्चों आपकी तो बहुत अच्छी छोटी पार्टी चल रही है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सभी इकट्ठा है, सामने चाय है खाने की चीज़ें है मतलब पापड़ है। तो मिमी आओ चाचा आओ, उबातू चाचा मेज के पास आकर बैठ जाते हैं, तो मिमी उन्हें बुलाती है। उबातू चाचा कोई एतराज नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा उन्होंने चाय लेंगे आप ऐसा पूछते हैं ना, तो वो कहते मिमी कहती है चाय लेंगे आप, तो वो कहते हाँ कोई एतराज नहीं शुक्रिया बेटा। तो उबातू चाचा बड़े मज़े से क्या करती है चाय की चुस्की लेते हैं, कप में से चुस्की लेके लेते हैं और बड़े मज़े के साथ चाय पीते हैं, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लगने वाली चाय है। तो तिनसू चाचा तिनसू क्या बोलते हैं चाचा आपने नाश्ता किया है, तो उबातू चाचा ने कहा अभी किया है, मैं सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान पर रुक कर कर लूँगा, अभी नहीं किया है, मैं सोच रहा हूँ कि किसी चाय की दुकान पे जाऊँगा और नाश्ता करूँगा। अब नाश्ते के लिए क्या बचा था, चावल की एक रोटी बची थी ना, तो वो सोच रहा था कि एक चावल की रोटी अब उन्हें दी जाए ना, तो इसलिए उन्हें पूछा गया, मिमी ने पूछा या तिनसू ने पूछा, मिमी ने उन्हें चाय दी और तिनसू ने उन्हें नाश्ते के बारे में पूछा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले जाइए और ले सकते हैं, आप ये जो पापड़ है ना वो खा सकते हैं। वो बात लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता, ऐसा वो उनसे, क्योंकि आपका है ना तो इसमें से हिस्सा मैं किसी का नहीं मारना चाहता। तो तिनसू कोई बात नहीं चाचा हम सबके पेट भर गए हैं, ऐसा वो कहता है, आप हमारा हिस्सा नहीं खा रहे, हम तीनों के पेट भर गए हैं, आप खा सकते हैं ये केले का पापड़। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तो वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, और वो उन्हें भी ना आवाज़ आती है, उन्हें यह कैसी आवाज़ है ऐसा वो पूछते। तो बातुन चाचा कहते हैं, तो तिनसू कहता है यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है क्योंकि बेचारे कोको का पेट गुड़गुड़ा रहा था भूखे मारे, तो वो कहता है ये तो ना चूहे की आवाज़ है। तो मुझे लगा, तो बातुन चाचा भी कहते हैं कि किसी के पेट में बुलबुला रही है, मतलब मुझे लगा कि किसी का पेट गुड़गुड़ा रहा है, किसी के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हो कुछ नहीं चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उबातू चाचा को वो पूछते कोको तुम आज बहुत चुप हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, क्योंकि बेचारे कोको को तो बहुत भूख लगी है, अब वो कैसे बताएगा कि मैंने रोटियां नहीं खाई है, मुझे केले का पापड़ चाहिए, मुझे चाय चाहिए खाने के लिए, क्योंकि
क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था ना, इसलिए उसे चुपचाप बैठना पड़ा वहां पर। और वो चुप बैठ कर क्या कर रहा था, पेट में जो कुछ गुड़गुड़ हो रही थी ना, वो चुपचाप सह रहा था बेचारा। तो इसके बाद वो कहता है, कुछ नहीं चाचा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मिम्मी उसका पेट ना, मिम्मी कहती है उसका पेट बहुत भरा है, नाश्ता उसने डट कर खाया है आज, माँ ने उसकी रोटियाँ बनाई थी ना, सारी की सारी रोटियाँ उसने खा ली है, ऐसा कहती है पद्म चाचा। कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, तो वो जो फूलदान था ना, वो इधर उधर को देखता है, वो कहता है हाँ वह रहा देखो फूलदान। तो कोको कहता है क्यों फूलदान क्या करना है तुम्हें आपको? तो बातुन चाचा कहते तुम्हारी माँ कल हमारे दुकान से ना एक फूलदान लेकर आई, कहाँ है वो फूलदान, यहाँ वहाँ देखते हैं, तो उन्हें एक फूलदान दिखाई देता है। वो कहते हो रहा फूलदान। कोको अब फूलदान की, जब कभी फूलदान पर आता है ना किसी का विषय, तो वो डट कर खड़ा होता है ना, क्योंकि फूलदान में तो वो नहीं आया ना, इसलिए उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो वो कहता है क्यों चाचा, क्यों चाहिए आपको फूलदान? बातू तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास रंग नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ही लेकर आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने के लिए आया हूँ। तो वो अपने साथ गुलाबी फूलदान लेकर आई है तुम्हारी माँ, तो उन्हें नीला फूलदान ही चाहिए था। तो मेरे दुकान में उनके जाने के बाद ना नीले रंग का फूलदान आ गया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये जो गुलाबी रंग का आपके पास फूलदान है ना, ये आप मुझे दीजिए और नीले रंग का रख लीजिए, क्योंकि आपकी माँ को तो ना नीले रंग का ही फूलदान चाहिए था, इसके लिए मैं आया हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ फूलदान देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, अब मैं चलूंगा, शुक्रिया। तो वो क्या करते हैं, वहां से अलमारी के पास जो नीला फूलदान था, सॉरी जो गुलाबी फूलदान था, वो उठाते हैं अपने पास रखते हैं, और जो नीला फूलदान था वो अलमारी के पास रख देते हैं। अब उसकी चोरी तो कैसे ही पकड़ी ही जाएगी ना, क्योंकि उसके अंदर चाप होती है उसने रखी थी, उन्होंने थोड़ी अंदर रख देखा कि क्या है उसमें। अब बेचारा कोको मन ही मन में पछता रहा था कि मैंने क्यों उन्हें फूलदान के अंदर रख दिया। मिमी और तिनसू गुड बाय चाचा ऐसा कहते हैं, और चाचा वहां से क्या करते हैं, चले जाते हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे माँ को ये फूलदान बहुत पसंद आएगा, वो फूलदान यहाँ से वहाँ चेंज करते हैं, ये कलर वो कलर रखते हैं वहाँ पे, और वहाँ से चले जाते, जाते समय कहते हैं शुक्रिया था बच्चों और गुड बाय ऐसा कहते हैं। तो सभी गुड बाय कहते हैं, तो कोको भी कहते हैं गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। वो क्या कहता है मन ही मन में, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। ये क्या हो गया देखिए बच्चों, उसने चावल की सारी रोटियाँ खाने के लिए कितने झूठ बोले, क्या अंत में उसे वो रोटियाँ मिली, उसका पेट भर गया? नहीं, वो तो चली गई उस फूलदान में से, और इन बच्चों से या इन दोस्तों से वो झूठ बोलता था कि मैंने भरपेट खाना खाया है, सारी की सारी क्या हो गई है, चावल की रोटियाँ ही वो खत्म हो गई है। इसलिए इस एकांकी को कौन सा नाम दिया गया है, चावल की रोटियाँ। ठीक है, ये जो शब्दार्थ है यह आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। प्रबंधक मतलब व्यवस्था करने वाला, दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना, तलाशी खोजबीन, भुक्कड़ भुक्कड़ मतलब बहुत भूखा, इर्द गिर्द मतलब आस पास, बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य, नेकी भलाई, और तश्तरी मतलब प्ले। ये पात्र परिचय है, और आपको जैसे जैसे लेसन खत्म होता है आप वर्कबुक में उनके आंसर लिख सकते हैं, यही आपका क्या है, होमवर्क है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।